बिजली विभाग के प्रीपेड कॉमर्शियल 1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन का शुल्क 7400 होता है, लेकिन बहुत ही दबंगई से संविदा कर्मी 12000 से 1 रुपया कम में बिजली का कनेक्शन नहीं लगाने की बात बेचारे उपभोक्ता से कह रहा है। अपनी बात की तस्दीक में कई बिजली विभाग के ही अधिकारियों की बात कहते हुए यह कह रहा है कि जब उनकी सिफारिश पर भी 12000 रुपये देने के बाद बिजली का कनेक्शन लगा तो आपकी क्या बिसात है। अगर 12000 में बिजली का कनेक्शन लगाना हो तो कहिए, बेचारे उपभोक्ता के पास कोई चारा नहीं रह गया और उन्होंने कनेक्शन लेने के लिए हामी भर दी। लेकिन उपभोक्ता ने इस घूसखोर संविदा कर्मी सन्नी का स्टिंग कर दिया और पूरे फुटेज को गोरखपुर न्यूज को देते हुए अपनी व्यथा भी व्यक्त किया कि कैसे उनके द्वारा प्रीपेड कॉमर्शियल कनेक्शन का फॉर्म भरने के बाद घूस की मांग की जा रही है। यह पूरा मामला बख्शीपुर सब स्टेशन एरिया का है। जब शुक्रवार को इस एरिया के विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी से संपर्क किया गया तो उन्होंने गोरखपुर न्यूज से कहा कि आप उपभोक्ता को हमारे पास भेज दीजिए, हम पूरा मामला देखते हैं। उपभोक्ता शनिवार को उनके पास पहुंचकर जब स्टिंग का वीडियो दिखाया तो उन्होंने गोरखपुर न्यूज को बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया दी। आए दिन उपभोक्ताओं से पैसा मांगने की बात सुनने में आती है, लेकिन घूसखोरी का स्टिंग होने से महकमे में हड़कंप तो मच ही गई है। अब देखने की बात यह है कि इस घूसखोर संविदा कर्मी सन्नी पर बिजली विभाग के आला अधिकारी क्या क्या कार्रवाई करते हैं। पूरे मामले पर गोरखपुर न्यूज की पैनी नजर बनी रहेगी, जिसके संबंध में अधिशासी अभियंता बख्शीपुर विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने बताया कि एक संविदा कर्मी का पैसा मांगने का वीडियो वायरल हुआ है, जो कि कॉमर्शियल 1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन प्रीपेड मीटर लगवाने के नाम पर 12000 मांग रहा है, जिसके लिए जांच अधिकारी नामित किया जाएगा। इस प्रकरण की पूरी जांच होगी, जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बख्शीपुर विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने कहा, यही है साहब। अब आप लोग बतियाओ दिया लीजिए। देखिए, उस परिसर में बताया है, सबसे पहले जो दूसरी चीज में कनेक्शन जो हुआ था तो हमारे यहाँ SDO थे, अब SDO में जेल थे अर्थात डैनी, उनके मार्फत हुआ था। वो 12000 रुपये दिए थे, आप उनके पड़ोसी से पूछ लीजिएगा, उनके मार्फत हुआ तब 12000 लगा था। किसके किसके मार्फत? अर्थात डैनी साहब के, SDO साहब के मार्फत। अच्छा अच्छा, तो वही आपको भी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा हमको? 12000। अपना समझ लीजिए, फाइल कहाँ है? तो इन्हीं के पास है, फाइल यही सब कमरे में रखी है। अपना समझ बूझ लीजिए, उसमें बकाया है, ज्यादा बकाया है तो उन लोग का बकाया है ना, परिसर वही है ना, परिसर वही है तो प्रीपेड लगा है ना, इसीलिए। हाँ, तो कोई इसीलिए प्रीपेड लगा रहे हैं ना। वो दिया नहीं गया था, वो किसी के दबाव में दिया गया था। ठीक है, वो किसी के दबाव में दिया गया था। अच्छा, इतने लोग का फोन आया, जो हमारे यहाँ CA थे उनका भी फोन आया था, यूट्यूब उनका भी नाम है। तो फिर उसके बाद मना किए SDO साहब की, नहीं नहीं बकाया है, तो फिर SDO साहब से फोन करें आशा रहनी से, तो हम तो कहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है जब इतना फोन आ रहा है दे दीजिए कनेक्शन, वहाँ तब उसमें प्रीपेड ऑप्शन रख करके जो है। करना का है, कनेक्शन तो हमको चाहिए ही, कनेक्शन चाहिए तो हमको मिला तो दिया। अब अपना समझ अपना नंबर दे दिया, नंबर है लड्डू भाई। सर, वीडियो वायरल हुआ जो पैसा मांग रहे सर, क्या कहना? वीडियो वायरल जो हुआ है वो एक हमारे संविदा कर्मी है, उनका वीडियो मैंने देखा, वो जिसको वायरल करने की बात आप कर रहे हैं, और उसमें जांच अधिकारी नामित किया जाएगा, जांच अधिकारी नामित करके इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो भी कार्रवाई जो जो नियत के हिसाब से होगी वो की जाएगी।